सिर्फ हमारी है, हमारी हुस्ना। श्रीमती जी हैं वो मेरी कबीर साहब। बेगम आप ठीक तो हैं? हमें आराम करना है। बात अभी बाकी है कबीर साहब। धोखा दिया है सिर्फ आपने, धोखा। मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की है हमने। मेरी बीवी है वो, और आपके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। आपके वतन के कानून का जरा सा इल्म है हमें। अगर किसी की बीवी 8 साल तक गायब रहे तो वो शादी शादी नहीं मानी जाती। इंदिरा मेरी ही है। वो इंदिरा है ही नहीं, वो हुस्ना है, हमारी हुस्ना। तो फिर ठीक है कबीर साहब, मैं ये काम करता हूं कि मैं खुद जाकर के उन्हें सब कुछ सच बता देता हूं। बहुत दे लिया मैंने अपने सब्र का इम्तिहान, अब थोड़ा मुश्किल है। ऋषि साहब हमारी बात सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी श्रीमती जी और हम अपनी हुस्ना को, अपनी हुस्ना को खो दें। आप जानना चाहती थी ना कि मेरी श्रीमती जी कौन है, इंदू की माँ कौन है, इंदिरा शर्मा कौन है, आप जानना चाहती थी ना? तो फिर सुनिए, वो कोई और नहीं बल्कि आप है। क्या हुआ आपको? आप ये सब सुनने के बाद गुमसुम क्यों हो गई? बोलिए ना श्रीमती जी, श्रीमती जी क्या हुआ? श्रीमती जी बात, हाथ मत लगाइए इन्हें ऋषि साहब, ये हमारी बेगम है, हमारी जिम्मेदारी, इन्हें संभाल लेंगे। कल सुबह होते ही हम इन्हें लेकर लाहौर लौट रहे हैं, समझे? इतनी आसानी से इन्हें आपको ले जाने नहीं दूंगा कबीर साहब, और अगर आपके अंदर हिम्मत है कोशिश करके देखिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप ठीक हैं? क्या हुआ है वो वहां पर खिड़की पर आप बैठे बैठे बेहोश हो गए एकदम से, क्या हुआ है आपकी तबीयत को? ठीक है आप? वो पता नहीं अभी क्या हो गया था सर, अचानक सर भारी भारी सा लग रहा था और चक्कर आ गया था। आराम कीजिए, और वैसे भी ऋषि साहब जा ही रहे थे। क्यों है ना ऋषि साहब, अब आप बेगम को परेशान नहीं करेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप कबीर साहब? अरे अभी आप खुद ही तो इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर मेरे पीछे पीछे आए थे, ये कह रहे थे कि आप, ये आपकी बेगम है, इनको कुछ नहीं बताना चाहिए। ऐसा समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बात कर रहे हैं। आप भी जाते, आप भी आराम करें। लेकिन सर ये बोल क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये आप कहें तो इन्हें कमरे से बाहर कर दें। हाँ। चलिए ऋषि साहब आइए। ईशान जल्दी कर, बहुत कम टाइम बचा है अपने पास, चल शाबाश। हाँ ऋषि भाई, बस होने ही वाला है, कल सुबह निकलने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। ये क्या कर रहे हैं साहब? हम कल सवेरे नहीं, आज रात को ही निकल रहे हैं, बस बहुत हो गया, अब इस पागलखाने से निकलना ही जरूरी है। करना हो कोई भी काम ले लो, बस राधे का नाम। अली पब्लिक, चलो ले आया प्रिंटिंग प्रेस जय माता की। बोलो शेरा वाली माता की। बेगम चलिए प्लीज। तो मेरी वजह से यहां से जा रही है ना बबली, क्यों जाती है घर छोड़कर? तू मत जा। पापा, पापा नहीं, नहीं पापा, पापा प्लीज मत जाइए पापा, हमें छोड़कर, पापा प्लीज मत जाइए छोड़कर हमें। कह दो अपने पति मिस्टर इंद्र शर्मा से कि मुझसे बात ना करें।